नौकरी के लिए नहीं चाहिए अब झारखंड में 10वीं 12वीं। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कहा यह है असंवैधानिक, 10वीं 12वीं कहीं से किया हो सबको मिलेगी नौकरी। अदालत ने बताया नए नियमावली को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन, नए नियम से हुई सभी नियुक्तियां हो गई रद्द, अब दोबारा होगी परीक्षा। हेमंत सरकार की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने किया रद्द, हेमंत सोरेन ने कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के कर्मचारी चयन के लिए बनाए गए नए नियमावली को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। बीते साल झारखंड सरकार कर्मचारी चयन के लिए नए नियम लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का झारखंड से 10वीं और 12वीं करना आवश्यक है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया था। झारखंड में थर्ड और फोर्थ ग्रेड नौकरियों के लिए इस नियम के तहत नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की गई थी। संशोधित नियमों के अनुसार कहा गया था कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिनके पास राज्य के बाहर के संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र हैं, वे परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसी शर्तों के तहत नहीं रखा गया था। वहीं अब हाईकोर्ट ने इन नियमावली को गलत और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है। नई नियमावली 10 अगस्त 2021 को लाई गई थी, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। रमेश हांसदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया गया। गौरतलब हो नियमावली के संशोधन के बाद ही इसका विरोध जारी था। विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार नाराजगी जता रही थी। गोड्डा से विधायक अमित मंडल ने संशोधन पर सवाल उठाते हुए इसे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया था। उन्होंने बकायदा पत्र लिखकर कहा था अगर भविष्य में कोई अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाता है तो इस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब तकरीबन एक साल बाद इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इस नियमावली के तहत की जाने वाली सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर को वापस ले लिया। कहा जा रहा है 11,000 पदों के लिए दोबारा वैकेंसी निकाली जा सकती है। इनमें डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर साइंटिस्ट असिस्टेंट और स्नातक योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति निरस्त की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की सभा में कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सीएम ने कहा क्या बनाए गए नियमावली में कुछ गलत था, राज्य की जनता चिंता न करे, ये कहते हुए आगे की अदालत में जाने की जानकारी दी। बता दें कि कर्मचारी चयन के नए नियमावली में 1932 खतियान होने के बावजूद अनारक्षित वर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाते।